संसार की उत्पत्ति से पहले की इस दुनिया में एक ऐसी रहस्यमय घटना हुई जिसे जानना बहुत ही जरूरी है। आइए आज की वीडियो में हम संसार की रचना से पहले हुई उस रहस्यमय घटना के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, संसार की उत्पत्ति से पहले की उस रहस्यमय घटना के बारे में जानने से पहले हमें अय्यूब की किताब के बारे में थोड़ा जानकारी होना जरूरी है, इसीलिए आइए पहले हम अय्यूब की किताब से शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्पत्ति किताब अध्याय 6 और अय्यूब की किताब अध्याय 1 और 2 ने परमेश्वर के पुत्रों और नपीली लोगों की रहस्यमय पहचान के कारण कई लोगों को आश्चर्य में डाल दिया है। बाइबल के अय्यूब की किताब में हमें एक व्यक्ति देखने को मिलता है जिसका नाम है अय्यूब, जो धनी था और अपने पूरे परिवार और विशाल झुंड के साथ उस देश में रहता था। वह सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था, हमेशा नैतिक जीवन जीने का प्रयास भी करता था। लेकिन उसके जीवन में ऐसा समय भी आया जब अय्यूब ने अपना सब कुछ खो दिया और वह कड़वा, चिंतित और डरा हुआ दिखाई देता है। उसने परमेश्वर को नहीं बल्कि खुद को ही निर्दोष साबित किया, जिसके कारण एलीहू, जो बुजी बारकेल का पुत्र था, क्रोधित होकर उसे समझाने लगा। और इसके बाद परमेश्वर ने अय्यूब से बात करना शुरू किया, जो लिखा है अय्यूब अध्याय 38 उसका 4-7 में, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। उसकी नाप किसने ठहराई? क्या तू जानता है उस पर किसने सूत खींचा? उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई, या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? जबकि भोर के तारे एक साथ आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लिखा है भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। यहाँ इस बात का पता चलता है कि संसार के निर्माण कार्य के समय में स्वर्गदूत, जिन्हें भोर का तारा और परमेश्वर का पुत्र कहा जाता है, ये भी मौजूद थे और उन्होंने पृथ्वी के निर्माण कार्य को देखा और परमेश्वर के साथ आनंद भी मनाया। स्वर्गदूतों को परमेश्वर के द्वारा उसकी स्तुति करने और आज्ञा मानने के लिए स्वर्ग में बनाया गया था। वे मनुष्यों की तरह उसकी महिमा करने के लिए बनाए गए थे और मनुष्य पृथ्वी पर रहने के लिए बनाए गए थे, स्वर्गदूतों के लिए नहीं। लेकिन स्वर्गदूतों ने अपना कर्तव्य भुला दिया और अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करके परमेश्वर की योजना को स्वीकार नहीं किया। बाइबल के अनुसार ये गिराए गए स्वर्गदूत हैं क्योंकि इन्होंने स्वर्ग को छोड़ दिया था और इनका लीडर है शैतान, जिसने अपने निर्माता परमेश्वर के खिलाफ साजिश रची और परमेश्वर से ही विद्रोह किया। लिखा है यशायाह किताब अध्याय 14 उसका 12 और 13 में, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा के छोर पर सवा के पर्वत पर विराजूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान, जिसे भोर का चमकने वाला तारा कहा गया है, अपने मन में परमेश्वर के तुल्य होना चाहा और परमेश्वर से भी ऊंचा सिंहासन बनाने का विचार किया, और इसके मन के घमंड के कारण ही इसे और उसके साथी दूतों को भी स्वर्ग से गिरा दिया गया। लेकिन अब सवाल यह आता है कि क्या परमेश्वर इन स्वर्गदूतों को ऐसे ही छोड़ देगा? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि शैतान और उसके दूतों के लिए नरक बनाया गया है, जहाँ अनंत काल तक आग रहेगी और उसमें वे हमेशा के लिए डाल दिए जाएंगे। लिखा है मत्ती अध्याय 25 उसका 41 में, तब वह बाई ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत काल में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। यहाँ पर हम देखते हैं कि नरक केवल शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया था, न कि मनुष्यों के लिए, और अंत में शैतान और उसके दूतों को नरक की आग में डाल दिया जाएगा। बाइबल यह भी बताती है कि जब स्वर्गदूत गिराए गए तो उन्होंने पृथ्वी पर मनुष्य की पुत्रियों के साथ विवाह करके पाप किया और अपना वंश बढ़ाने लगे। उत्पत्ति की किताब अध्याय 6 उसका 2-4 में लिखा है, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, सो उन्होंने जिस जिस को चाह उनसे विवाह कर लिया, और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोभ विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र
मनुष्य की पुत्रियों के पास गए तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए वे पुत्र सूरवीर होते थे जिनकी कृति प्राचीन काल से प्रचलित है। हमने अभी पढ़ा कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों के साथ विवाह किया और जो बच्चे उनसे उत्पन्न होते थे वे बहुत सूरवीर होते थे। और बाइबल बताती है कि उन्होंने जिससे चाहा उसे अपनी पत्नी बना लिया। यह इस बात को दिखाता है कि शैतान अपने साथी दूतों को किसी न किसी रीति से मनुष्यों के पुत्रियों से विवाह करने के लिए केंद्रित कर रहा था ताकि मानव जाति के आने वाले पीढ़ी पूरी तरह से पाप में गिर जाए और परमेश्वर का वायदा जो उत्पत्ति अध्याय 3:15 में लिखा है वह अधूरा रह जाए। प्राचीन यहूदी धर्म और प्रारंभिक कलीसियाओं का मानना था कि परमेश्वर के पुत्र आध्यात्मिक प्राणी या स्वर्गदूत थे जिन्होंने मनुष्य के पुत्रियों से विवाह किया था और नपीनी के नाम से जाने जाने वाले सूरवीरों को जन्म दिया। परमेश्वर के पुत्रों के बारे में 3 प्रकार से समझा जा सकता है। पहला कि वे गिराए गए स्वर्गदूत थे, दूसरा वे मानव जाति के सूरवीर शासक थे, या तीसरा ये दक्षिण के धर्मनिष्ठ वंशजों से थे जिन्होंने कैन के दुष्ट वंशजों से विवाह किया था। परमेश्वर के पुत्रों का उल्लेख हमें अय्यूब की किताब में भी देखने को मिलता है, अध्याय 1:6 और अध्याय 2:1 में। दोनों पदों में हम देखते हैं कि परमेश्वर के पुत्रों का जिक्र है जो परमेश्वर के सामने उपस्थित थे और उनके बीच शैतान भी मौजूद था जो अय्यूब को दुख देने के लिए परमेश्वर से अनुमति लेने पहुंचा था। उत्पत्ति किताब में हम रहस्यमयी व्यक्तित्व को देखते हैं। सूरवीर पुरुष जो सभी प्रसिद्ध लोगों में से थे, लेकिन यहाँ इस बात का जिक्र नहीं है कि नपीली कहाँ से आए। बस इतना बताया गया है कि उन दिनों पृथ्वी पर दानव या नपीली रहा करते थे। इस बात को लेकर कई सारे विवाद भी उठते हैं। कई स्कॉलर्स का मानना है कि परमेश्वर के पुत्रों ने जब मनुष्य की पुत्रियों से विवाह किया तब नपीली उत्पन्न हुए थे, तो कई लोग इस बात को नहीं मानते हैं। स्वर्गदूत जो स्वर्ग से पृथ्वी पर गिराए गए थे उनके बारे में यहूदा की किताब में भी इस प्रकार बताया गया है, फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिन स्वर्गदूतों ने लूसीफर यानी शैतान की बातों में आकर परमेश्वर से विद्रोह किया उन्होंने अपना अधिकार खो दिया और उन्हें स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया गया। उन्हें अंतिम दिन के लिए रखा गया कि उन्हें बंदी बना लिया जाए। आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने विचारों में कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय मसीह की।